जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप इंडियन नेवी SSR और AA का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आप अपने घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्यों किसी भी इनसे के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पे, और यहाँ पे आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना होगा नीचे। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्स न्यू में इंडियन नेवी AA और SSR ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021। और जैसे नीचे आएंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। मैं इस पेज का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे इंडियन नेवी AA और SSR ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पूरी जानकारी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको आ जाना होगा नीचे। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है। यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा अगर आप नए होंगे तो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आधार आईडी, आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी से आप अप्लाई कर पाएंगे या फ्रेंड्स विदाउट आधार कार्ड से। तो मैं यहाँ पे विदाउट आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैं 10th 12th पास सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये कैप से मैं यहाँ फिल करके सिंपली सेव पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स अपना दिन, यहाँ पे ऐसे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपना नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी हो। उसके बाद डोमिसाइल नीचे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पहचान चिन्ह आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अगर आपका कट के निशान हो या तिल हो आपके शरीर पर तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। इसके लिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे 12th साइंस यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना हो, PCM है या PMB है। तो फ्रेंड्स मेरा PCM है, मैं PCM सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अकाउंट आप डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके ये दोनों टिक करके आपको सेव पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स कि आपके मेल पर एक मैसेज सेंड किया गया जिसमें फ्रेंड्स एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होगा अपना अकाउंट। तो चलिए मैं अपना अब दूसरे फ़ोन में अपना मेल ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे अकाउंट पे आ गया है मैसेज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप अपने मेल वाले मैसेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर का आपके मेल पर, और एक मेल जाएगा। मेल पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, ऊपर आपका ईमेल आईडी लिखा रहेगा। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जहां फ्रेंड्स अपना OTP वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरे फ़ोन पे जो मेल पे मैसेज आया था उस पे लिंक वाला ऑप्शन क्लिक किया रखे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मेरा अगला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ फ्रेंड्स ओटीपी सेंड किया गया था मेरे मोबाइल पर। उस ओटीपी को मैंने वहाँ पे फिल किया और फाइनली फ्रेंड्स मेरा जो आईडी है वेरीफाई हो गया। चलिए मैं फिर से लॉग इन करके आगे फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स फॉर्म फिल करने के लिए फिर आज से आपको लॉग इन वाले पेज पर आना होगा। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये अपना कैप्चा आपको फिल करना होगा, सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली आगे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 12th साइंस मैंने फिल किया था। उसके बाद 12th का यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। 12th या डिप्लोमा का आप मार्कशीट अपलोड करेंगे पीडीएफ में, 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 12th का आपको CPA या मार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मार्क्स CGPA या मार्क्स मैंने मार्क्स सेलेक्ट करा। उसके बाद इंग्लिश में कितना है और कितना मिला है, उसके बाद फ्रेंड्स हिंदी में कितना मार्क्स का था और कितना आपको मिला है, अपटेंड मार्क आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे कितना मार्क्स का था कितना मिला है, मैथ में जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। हिंदी में मेरा इंग्लिश 100 का था जिसमें मुझे मिला था 78। उसके बाद फ्रेंड्स हिंदी में आपको जो भी आप लिए थे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिजिक्स में 100 था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे केमिस्ट्री में 100 में कितना मिला था आपको। उसके बाद मैथ में आपको 100 में कितना मिला था। उसके बाद बायोलॉजी नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब एडिशनल अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसका भी परसेंटेज आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए ये मेरे पास इतना ही है, 5 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आना होगा नीचे। नीचे आने के बाद अगर कोई एडिशनल है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर हो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कौन से स्टेट से आपने क्वालिफाई किया था, कौन से स्टेट से आपने पढ़ा है तो यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद बोर्ड कौन सा बोर्ड था आपको, मेरा बिहार से था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा। उसके बाद 10th का आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, मार्क्स पे सेलेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मार्क्स 10th में आपका कितना था, टोटल 500 का था। 500 में आपको कितना मिला, 300। चलिए यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप साइड में क्लिक करेंगे उसके बाद मार्कशीट का सीरियल नंबर आपका जो भी हो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपको मतलब कहाँ से पढ़े थे अपना यहाँ पे स्टेट, सॉरी अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपका बोर्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैट्रिक का मार्कशीट भी अपलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कैप्चा आप यहाँ पे फिल करके सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे सेव करेंगे आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना आपका ही वो पिछला पेज सेव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस 1 एड्रेस 2 आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिवान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पिन कोड हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट अगर ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे या छोड़ सकते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना होगा, उसके बाद आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा, जो 100 KB से कम हो, JPG में होना चाहिए या PNG में। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना डोमिसाइल जो आपका निवास है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे पीडीएफ में ओनली, जो 1 MB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 फ़ोटो अपलोड करूँगा, यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करूँगा, सिग्नेचर अपलोड करूँगा, यहाँ पे अपना यहाँ पर डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि अपना निवास यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका वो भी पेज आपका सेव होकर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख पाएंगे इंडियन जो सेलर डबल ए और SSR का फॉर्म आया है, 26/4/2021 से 5/5/2021 तक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इसका डिटेल्स पढ़ पाएंगे। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपको ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन से AA के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या SSR के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अभी 235 रिसीव हो गए। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। आप अगले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको ये फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फुल नेम आपको फिल करना होगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे हो। मैं फ़ोन में कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये आपका आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो इसे यहाँ पे AA के बारे में दिया गया, आपका क्वालिफिकेशन दिया गया, जैसे फ्रेंड देख सकते हैं 10+2 में 60% मार्क्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है साथ में होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स SSR के लिए क्या चाहिए यहाँ पे दिया गया, मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखा है। केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा 12th का जो भी आपने डेटा फिल कराया ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी टिक करेंगे, मैट्रिक का देखने को मिल जाएगा, सब सही है। तो फ्रेंड्स आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स आप अगले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद मिलिट्री रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आर्म्ड से अगर आप डिस्चार्ज हैं तो आप यस या नो कर लेंगे। अगर आप डिस्चार्ज हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं तो फ्रेंड्स यस या नो कर लेंगे। मैं अभी नो कर लूँगा, NCC नहीं है तो मैं नो कर लूँगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, मेरा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यह आपका एड्रेस का सेक्शन रहेगा, अपना एड्रेस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सब एड्रेस चाहिए तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको नीचे आने को देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में कि आपको कैसे पता चला इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसने यहाँ पे बताया कि आप इसमें ज्वाइनिंग करिए, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिलेटिव मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्विमिंग आती है या नहीं आती है, आती है तो मैं यस कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 7 नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर पाएंगे। उसके बाद सही है तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगले पेज पे आना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप किस किस में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं AA और ये मैंने तीनों यस कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला पेज आ जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स आपको प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ, मैं तीनों को यस कर लिया हूँ। पहले आप फर्स्ट वाले पे यस कर रखा हूँ, उसके बाद SSR को भी यस कर रखा हूँ। उसके बाद आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, मेरा सही है सब चीज़। मैं फिर सिंपली यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके सब चेक कर लेना होगा, अगर आपका सब सही है, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ये सब आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक क्लिक कर करके आपको चेक करना होगा। ये सब अगर आपका सही है तो सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे, यस ओके यस करेंगे, ये पेज आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो आप फॉर्म फिल किए हैं आपका फॉर्म फिल हो गया, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे, अपना फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। जो आपने फॉर्म फिल करा ये आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ऐसे ही आकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल होता है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।